सभी बच्चे एक साथ जुड़ेंगे और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लेंगे इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपका भूगोल का पेपर कितनी तारीख को है? 22 मार्च को है। तो 22 मार्च के लिए क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया है? क्या आपकी तैयारी पूरी है? अगर हाँ तो देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन पेपर में, पूरा 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका भूगोल का। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यों, क्यों आपका राइट आंसर रहेगा। जिसके बाद में निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गैस उत्सर्जन। गैस उत्सर्जन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो वो करता है भूपटल व ऊपरी मेंटल, आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सभी इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो यहाँ पर आपका 82°30' पूर्वांतर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यहाँ पर आपका होगा 11° चैनल। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों को अलग करता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जिसके बाद हम बात करें तो अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें आपको रिक्त स्थान मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम। जैव भूगोल में जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या लिखा है? जीवों लिखा है। पृथ्वी पर जीवन करोड़ों वर्षों पहले प्रारंभ हुआ है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर लावा कहलाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र अग्नि वलय कहलाता है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। नई जलोढ़ के द्वारा निर्मित मैदान खादर कहलाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे क्या जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर इसमें देखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो भूगोल की सतह एक रूप है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, असत्य। पृथ्वी की संरचना परतदार है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सत्य। और प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। मालदीव बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय देश है, असत्य। और पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, सत्य। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैच द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे तो जोड़ी सही बता देते हैं आप लोगों को। मौसम विज्ञान का ध्यान रखिएगा, इसको आप मिलाएंगे जलवायु विज्ञान। पार्थिव ग्रह, इसको आप पृथ्वी से मिलाओगे। सबसे लंबी अवधि, तो इसको आप मिलाओगे ईयान की। और सबसे कठोर परत, क्रोड। महाद्वीपी प्रवाह, इसको आप मिलाओगे अल्फ्रेड वेगनर। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा, इसको मिलाओगे बांग्लादेश। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलो पैंस तो देखते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा 8 पेज में है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास
इलेवेंथ वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। बिग बैंग सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब प्रस्तुत किया? तो देखिए किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। कब? 1912 में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर यहाँ पर देखेंगे। जिसके बाद में आप क्या करेंगे बच्चे, सभी ध्यान देंगे, भूगोल क्या है? क्वेश्चन दो दो नंबर वाले बता रहा हूँ आप, ठीक है? भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, जिसके बाद में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आगे देखते हैं हम, हमारे सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है? भीतरी ग्रहों के नाम लिखिए। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? पूरा देख सकते हैं आप, पूरा 8 पेज मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन पेपर के। जो देखिए कितने पेज पलट दिए मैंने, कॉपी पेज है हमारे और भी बचे हैं अभी, पूरा क्वेश्चन पेपर है। ध्यान पूर्वक इसको रीड करिएगा कि क्वेश्चन को, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने अभी तक याद नहीं किया है तो सभी क्वेश्चनों को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? देख सकते हैं ये अब हुआ आपका पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एग्जाम से संबंधित सभी अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आगे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों का जो पेपर है 22 मार्च का, वो बहुत ही अच्छा जाएगा, तो आप सभी अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो के माध्यम से उनकी भी तैयारी करवाइएगा और उनको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।